बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम के बाद कुछ इस तरीके से रख लो कॉपी पेंसिल पास, जिसने करना है टेस्ट पास। कॉपी पेंसिल नहीं होगी तो आप टेस्ट पास नहीं कर सकते। बोरी बिस्तर तो तब मानना है, वो कहते हैं बन लो बोरी बिस्तर बोरिया, जिनने जाना है कोरिया। वो बाद में अपने कॉपी पेंसिल दिमाग हर चीज़ को हाजिर कर लो इस बोर्ड पे। इससे पहली वीडियो में आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट पढ़ना सिखा दिए, तकरीबन 9 आपने याद करने, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाने। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो इससे पिछली वीडियो लाजमी देखे, ये मैंने उसमें सिखा दिए। इस चैप्टर के अगर हमें 10 वोवल्स याद हो गए तो पिछले इस चैप्टर के हमारे 9 जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से याद हो गए, तो गारंटी देता हूँ कि हमें कोरियन जबान बहुत आसानी से पढ़नी आ जाएगी। ये तो मैंने सिखा दिए, अब इसकी बारी है। ये बुनियादी वोवल्स जो हैं वो 10 हैं, उसके साथ जो डबल वोवल्स हैं वो 11 हैं। डबल वोवल्स के पीछे हम बाद में जाते हैं क्योंकि इसकी इसकी आवाज़ें सेम ही निकलती हैं। मेन जो बुनियादी हैं वो हमें ये याद करने हैं। ये देखिए, ये इसकी अलामत है। इसकी अलामत ऐसे है कि एक यूँ करके यूँ करेंगे आवाज़ निकलेगी आ की, आ। उसके बाद अगर यूँ करके दो ऐसे हैं तो इसकी आवाज़ निकलेगी या। फिर अगर इस साइड था, अब ये इस साइड चला गया है तो आवाज़ निकलेगी आओ। अगर ये यूं करके दो निकल गई तो आवाज़ निकलेगी याओ, आ या ओ याओ, ठीक है ना, आ या आओ याओ। अगर ये जो नुक्ता है ऊपर इस तरह लकीर और नीचे यूं है, आवाज़ निकलेगी ओ। अगर दो हैं और यूं आ जाएगा तो आवाज़ निकलेगी यो। अगर ये है और नीचे को है तो फिर ये ऊ की आवाज़ निकालेगा, ऊ ऊ, मतलब ये नीचे को गिर रहा है, खू के अंदर गिर रहा है, ऊ ऊ ऊ, इससे ध्यान में रखो भाई, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये दो हैं तो आवाज़ ऊ की नहीं, यू की आवाज़ निकलेगी, यू। अगर ये इस तरह है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं है, ऊ ब्रेक लग गई है, ऊ यहाँ पर ऊ की आवाज़ निकलेगी, ऊ। अगर ये बिल्कुल सीधा है तो इसकी आवाज़ निकलेगी ई की, ई ई। अब जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आ या ओ यो ऊ यू ऊ ई। ये हमें ये 10 बहुत आसानी से याद हो जाने, क्यों, क्योंकि ये एक याद होगा तो 7 वाला वैसे ही याद हो जाता है। इसका मुंह उस साइड है, एक याद हुआ तो परला उस साइड, क्योंकि एक के बाद अलिफ से शुरू होनी है, दूसरे की ये से शुरू होनी है। ऊपर के है तो ओ यो की, नीचे को तो है तो ऊ यू की, अगर कुछ भी नहीं है तो ऊ की, अगर कुछ भी बिल्कुल सीधा है तो ई की आवाज़ निकालनी है। तो ये 10 वोवल्स हमें याद हो गए, तो ये डबल वोवल्स जो है ना, इनकी अलामतें, इनकी आवाज़ें बिल्कुल सेम एक जैसी हैं। देखिए इसकी अलामत एच की है, मतलब के इस तरह का एच नहीं है ये, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये बिल्कुल नज़दीक करके ये आवाज़ निकलेगी इसकी ए की, जो दो आ जाएंगे आवाज़ निकलेगी ये की। फिर अगर एक इस साइड है और दो इस साइड है तो आवाज़ निकलेगी ए की। अगर दो इस साइड है और दो इस साइड लाइनें हैं तो ये की, वे दो इस साइड की है तो आवाज़ निकलेगी ये की। अगर ये यूं है और फिर यूं है, ये देखिए ये क्या आवाज़ थी, ओ ई, ओ और ई, ये दोनों की आवाज़ निकलेगी वे वे वे। जो ऊ और ई की आवाज़ है ये जब इकट्ठी निकलेगी तो आवाज़ आएगी वी। अगर ओ और आ, आप देख रहे हैं ये आ है, ये आ भी साथ लग गया और साथ ओ लग गया तो आवाज़ निकलेगी वा, वे वो वे वी। मतलब के 10 और 11 ये 21 वोवल्स, ये डबल वोवल्स जो है ना ये सब मिलते जुलते हैं। देख रहे हैं ए और ए, ये और ये, वे और वे, वे कितने आ गए, 1 2 3 3 तो वे ही है, 1 2 2 तो ए हैं। तो लिहाजा इसके चक्कर में अगर पढ़ेंगे, आवाज़ें निकालने के चक्कर में पढ़ेंगे तो समझ लें आप फिर आवाज़ें ही निकालते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं या सीखेंगे नहीं, फिर आपने इसको इसको छोड़ दें। इसको आप समझ लें कि ये दिमाग की दही बनेगी, दिमाग की दही नहीं बननी है, दिमाग को इस्तेमाल करना है। हमारे जो बुनियादी वोवल्स हैं हमने वो याद करने हैं, आ या ओ यो ओ यो ऊ यू ऊ ई, ये हमने याद करने हैं। ये याद कर लिए, बेसिक कॉन्सोनेंट याद कर लिए जो 9 हैं, तो समझ ले कोरियन जबान आ गई। अब इसकी हम करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपको बनाएगी परफेक्ट, और परफेक्ट होने के बाद आप जाएंगे कोरिया, और कोरिया फिर आपको बनाएगा मिस्टर पाकिस्तानी नंबर 1। ये सब हंसाने के लिए
कि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी इन वोवेल्स की और आपकी प्रैक्टिस होगी डबल वोवेल्स की, तो फिर अब आपका इम्तिहान की बात ये, अब आपका इम्तिहान है हिज्जे करने का। ये वही वक्त है जब बचपन में पहले हम अलिफ सीखते हैं, फिर बे सीखते हैं, फिर अलिफ से ये तक सीखने के बाद अलिफ बे अब बे अलिफ बा अब्बा, ये हिज्जे का वक्त आ गया है। ये अभी हिज्जे करेंगे, जुमला बनाएंगे, कोरियन सीखेंगे और इस तरह हवाओं में उड़ेंगे, मज़े करेंगे। किस किस को याद है कि इसको क्या कहते हैं? हाँ, आप मेरी तरफ़ देख के हंस रहे हो, मैं आपकी तरफ़ देख के हंस रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, आप मतलब कि मुझे क्या पता अभी कौन सा भाई मुझे देख रहा है कि कौन सा नहीं, मगर फिर भी मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है खियक। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है? नियन। ये थियत, रियल, मियम। ओए खोते, मियम लिखा हुआ है, मियम। अभी तो भूल रहा है, ये आपको लफ्ज़ देखते ही फ़ौरन आ जाना चाहिए, हाँ ये मियम लिखा हुआ है। इस तरह अगर आप सोच में पड़ गए तो समझ लें तब भी आप कामयाब हैं। ये भी मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है, वो हमें ऑर्डर करता है पहचान कराने की कि ये क्या है, ये कैमरा है, ये लाइट है, ये फलां लाइट है, ये बोर्ड है, ये मतलब कि ये पहचान प्रोसेस जो है वो फौरन कभी काम करता है उस वक्त जब जब हमें हिफ्ज़ हो जाता है। जो चीज़ें हमें हिफ्ज नहीं हुई होती हैं, फिर वो प्रोसेस जो है वो सोचने में लगाता है कि यार इसको मैंने क्या याद किया था, क्या हिफ्ज किया था। तो लिहाजा परेशान होने की बात नहीं है, आपने जो याद किया है तो समझ लें उस प्रोसेस में आपके वो काम करेगा। तो हो सकता है गलत भी जवाब दे दे, आपने इसको ये रियल है, इसको मियम याद, मियम मियम, इसको मियम भी बोल सकता है, मगर परेशान होने की बात नहीं है। ये हर एक के साथ होता है, यहाँ ये आइंस्टाइन के साथ भी हुआ था, पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, मगर गलतियां सबसे होती हैं, परेशान होने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी है आपने। ये नियन है, ये थियत है, ये रियल है, मियम है, फियप है, सियत है, यंग है, छियत है, छियत है, खियक है, थियत है, फियप है, यंग। टोटल कोरियन हमारी ये, टोटल कोरियन ये बेसिक वोवेल्स में है, आ या ओ यो ओ यो ऊ यू ऊ ई, समझ लें। अभी अगर आ जाता है खियक और आ, ये शुरू में आएगा तो क्या आवाज़ निकालेगा? खियक, खा की, खा, ये आ, क्या बना? खा, खा और आ क्या बना? खियक और आ क्या बना? खा। ये खियक और ये या, ख्या। ये खियक, ये ओ क्या बना? खो। ये खियक और ये यो क्या बना? क्या बना? वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आप कामयाब हो जाएंगे, आप पास होंगे। जिसने अभी सही जवाब दिया वो पास होगा, जिसने गलत जवाब दिया है वो पहले नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भी प्रैक्टिस, उसको गुस्सा आया होगा, गया मुझे क्यों नहीं आया। खैर, ये आवाज़ निकालेगा ख्यो की, ये खियक और ये ओ क्या आवाज़ निकलेगी? खो। ये खियक ओ ये ऊपर यो क्या आवाज़ निकलेगी? ख्यो। हाँ, ख्यो ख्यो। ये खियक ओ ये ऊ क्या आवाज़ निकलेगी? खू। ये खियक ओ ये नीचे डबल जो डबल नुक्ते हैं क्या आवाज़ निकलेगी? ख्यू। ये खियक नीचे उ क्या आवाज़ निकलेगी? ख। ये खियक और ये ई क्या आवाज़ निकलेगी? खी। मतलब के आपको हिज्जे करना आ गया। क्या? ये खा। ये क्या है? ख्या। खो, ख्यो, खो, ख्यो, खू, ख्यू, ख, खी। ज़रा अभी आप खुद पढ़ें, नहीं आ रही है तो मेरा पीछे 10 सेकंड 15 सेकंड पीछे जाके दोबारा देख लो मैंने क्या बोला है। पता चला कि मैं इसको खो पढ़ा रहा हूँ, इसको आप खू पढ़ रहे हो। गलत नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। आपने पीछे जाना है, 10 बार देखनी है, 50 बार देखनी है, 100 बार देखनी है, बहुत ज़्यादा वीडियो ही देखते रहेंगे तो पॉसिबल है कि आप कामयाब ना हो। कामयाबी आपकी है प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस है आपकी पेंसिल और कॉपी और आपकी ये जबान दिमाग। मतलब कि ऊंचा ऊंचा बोलना है, नियन और आ क्या बना? ना। नियन और या क्या बना? वेरी गुड निया। ये नियन और ओ क्या बना? नो। नियन और यो क्या बना? न्यो। नियन और ओ क्या बना? नो। नियन और यो क्या बना? न्यो।
नियन और ऊ क्या बना नू, नियन और यू क्या बना न्यू, नियन और ऊ क्या बना न, नियन और ई क्या बना नी। लिहाजा इसी तरह दा दया दो द्यो दो द्यो दू द्यू द दी, रा व्या रो व्यो रो व्यो रू र्यू रु री, मा म्या मो म्यो मो म्यू मू म्यू मू मी। इसी तरह फियप सियत यंग छियत की आपने इसी तरह एक खा एक ये पूरा पेज भरना है, ऊंचा ऊंचा बोलना है, नियन का पूरा पेज भरना है, ऊंचा ऊंचा बोलना है। एक बार नहीं याद आएगा दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा तीसरी बार आएगा। ये लैंग्वेज जो है ना, एक बार याद रखिएगा, आपने कभी 1.5 साल 2 साल के बच्चे को ऑब्जर्व किया है, वो बोल नहीं सकता है मगर वो समझ सारी जाता है। क्यों? क्योंकि एक लफ्ज़ उसने बार बार सुना होता है। ये बात गौर से सुन लो आप, अगर आपने कामयाब होना है, कि 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होता है या 1 साल का, वो बोल नहीं सकता है मगर उसे हम बोलेंगे ना जा गिलास लेकर आए, वो फौरन जाएगा और गिलास लेकर आ जाएगा। वैसे हम उसे बोलेंगे ना गिलास बोल गिलास, तो वो बोल नहीं सकता है, वो यही बोलेगा, उसको बोलना नहीं आता है मगर उसे समझना आता है। क्यों? क्योंकि उसने देख देख के सुन सुन के उसको समझ में आ जाता है ये गिलास है, मुझसे ये चीज़ मंगवा दें, मुझसे लाइट मंगवा दें, मुझसे पंखा मंगवा दें, उसको जो भी बोलेंगे वो बात सारी समझ जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में जो हार्ड डिस्क है वो उसको सेव कर लेती है, बार बार सुनते हैं हम जब चीज़ को। अगर आपके पास टाइम है तो आप ऑडियो लगा कर ये बार बार सुने, नियन आवाज़ कैसे निकालता है, नियन बनता कैसे है, इसकी नियन है रियल है मियम है फियप है, ये आपने ऑडियो सुने या वो आँखों से देखे। ज़्यादा सीख सकता है बंदा प्रैक्टिस करने से, देखने से, सुनने से, बोलने से ज़्यादा आप देखने और सुनने से। आपने देखा होगा बच्चा जो है कैसे एक्सपर्ट होता है, तो लिहाजा आपने एक्सपर्ट होना है देखने और सुनने से। मत समझिएगा कि आपको आ रहा नहीं है, आ रहा है। आप एक लफ्ज़ जब एक बार सुना तो पहली बार सुना नहीं पता चला, दूसरी बार सुना नहीं पता चला, तीसरी बार सुना हाँ या ये लफ्ज़ मैंने पहले कहीं सुना था, कहाँ पे सुना था, हाँ ये पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है, याद आ जाता है। मगर जब 10 बार सुनते हैं तो मतलब भी पता चल जाता है कि उस लफ्ज़ का मतलब क्या है। जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं एक नंबर लिखता हूँ 0300-2363-... फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने किसी को बोला इस पर लोड कर दे, उसने लोड किया और नंबर भूल गया, उसके पास कल मैं फिर गया, उसको मैंने नंबर लिखाया वो फिर भूल गया, उसके बाद परसों में गया फिर मैंने बोला 100 रुपये का लोड कर दो, तो फिर वो उसे याद आया कि यार हाँ 0300 से स्टार्ट होता आगे क्या है। फिर चौथे दिन गया, फिर उसको ये भी पता चल गया हाँ आखिर में जो है 287 आ रहा था या 256 आ रहा था या 222 आ रहा था, उसे आखिरी के हिंसे याद हो जाएंगे। जब मैं महीना पूरा जाऊंगा उसे मैं बोलूंगा नहीं याद कर, उसके दिमाग की जो मेमोरी है ना उसमें वो सेव हो रहा होता है, जाने या अनजाने में वो सेव हो रहा होता है, उसे वो नंबर महीने 2 महीने के बाद ज़बानी याद हो जाता है कि ये कस्टमर मुझसे डेली लोड करवाता है और यही नंबर है और याद हो जाता है। इसलिए सेम ऐसे ही है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं ये थियत 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 थियत, आपको इतना पता चल गया कि ये कोरियन ज़बान का लफ्ज़ है, मगर आप किसी पड़ोसी के सामने जाके थियत बोलेंगे वो बोले भाई क्या बोल रहा है भाई थियत, अबे क्या बोल रहा है भाई, अरे थियत बोल रहा हूँ भाई, थियत क्या बोल रहा है, झांपड़ मारेगा भाई निकल, पता नहीं गाली दे रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है भाई चल निकल। मगर अगर उसे आप ये दिखाओगे भाई ये थियत है, और जब मैं आपके सामने आप मेरे सामने बोलोगे थियत, मैं बोलूँगा हाँ कोरियन ज़बान का 3रा कॉन्सुलेट है भाई। सेम इसी तरह है भाई, जब हम रिपीट करते हैं बार बार रिपीट करते हैं दिमाग में सेव हो ही जाता है, जाने अनजाने में हम समझते हैं हमें याद नहीं हुआ मगर वो 110% याद हो रहा होता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है मेरे भाई, आप ही वो बंदे जो कि कोरियन एग्जाम में पास होके कोरिया जाके यहाँ पे बंगले महल गड़ियाँ बड़ी सब कर लोगे। इसलिए ये आपके बेसिक काम चल रहे हैं, थोड़ा सा धक्के की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक बार ट्रेन चल पड़ी तो फिर सामने चाहे गाड़ी आए चाहे कोई फाटक आए कोई आए, उसने ब्रेक नहीं लगानी, उसने उड़ जाना है, उड़ा देनी है सब कुछ।
और अगर जब तक वो स्टार्ट नहीं होती है तो चाहे उसको कितना जोर लगाना पड़ता है, वो सामने कोई छोटा सा भी पत्थर आ जाए तो वो स्टार्ट या चलने से माजत कर लेती है, भाई अपने बस की काम नहीं है। ये बेसिक है, यहाँ पे आपका जोर लगना है, मेहनत लगनी है। यहाँ पे एक बार चल पड़े तो फिर आपको रास्ते में पत्थर क्या पहाड़ भी आएगा तो उसको भी चीर के निकल जाओगे, बोलोगे भाई मुझे आता है भाई यार हट। तो सेम इसी तरह प्रैक्टिस करो भाई। ये आज मैंने आपको हिज्जे करने तक का सिखा दिया है। हिज्जे करना रियल है और आ है रा, रियल है और या है या, रियल है और ओ है रो। मतलब कि ये आपने घर पे अभी प्रैक्टिस करनी है उस वक्त तक जब तक आपको याद नहीं हो जाती है। याद हो जाएगी मगर बार बार करने से 110% याद हो जाएगी। मगर उससे इसके आगे आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना टेस्ट कैसे ले सकते हैं, आपको पता कैसे चले कि मुझे कितना याद हो गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम में पास भी हो जाएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी बताने लग गया तो आप बोलोगे यार ये थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सोचें कि अगर जब आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो मोटिवेट हुए, दूसरी वीडियो देखी तो यार नहीं मैं कर लूँगा, तीसरी देखी नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर जब देखा कि भाई यहाँ पे जॉब मिलेगी तो कम सैलरी है वहाँ पे कामयाबी है, फिर मेरी वीडियो देखी तो शुरू के एक दो लफ्ज़ याद आ गए, समझ में आ गए, फिर मुश्किल लग रही है। क्यों? क्योंकि वो रिपीट हो गई थी, वो अच्छी लग रही थी, आसान लग रही थी। जब रिपीट नहीं हुई वो मुश्किल लगेगी। आपने रिपीट करने की आदत डालनी है, रिपीट और प्रैक्टिस, ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। इसलिए इससे अगला जो वीडियो आ रही है वो बहुत ही फंटास्टिक आ रही है। उसमें मैंने ऐथो तक किए ना, होते नहीं आगे है ना, तो ये आपने प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बनाना है। तो ये आपने प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बनाना है। इसके बाद जो ये वाली वीडियो आ रही है ना, ये इतनी कमाल है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मैंने तस्वीर भी लगाई है, इसके साथ मैंने उर्दू भी लिखी है, इसके साथ मैंने कोरियन भी लिखी है, इसके साथ मैंने इंग्लिश भी लिखी है, ताकि ये चार चीज़ें जो है कोई ना कोई चीज़ तो दिमाग में बैठेगी। मतलब उर्दू टू कोरियन, कोरियन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू पिक्चर। ये अब अगली वीडियो में, इस वीडियो में बेहतरीन किस्म तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। उसके बाद उसके उस वीडियो के बाद भी बहुत कमाल आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरों वाली है, इसके बाद कार्टून्स वाली है। जिस तरह बच्चे कार्टून्स देख के समझ में आया नहीं आया वो उसे इंजॉय कर रहे होते हैं, तो मैं कार्टून्स के छोटे छोटे क्लिप, वो क्या बोलते हैं, मैं उन्हें बोलूँगा। हाँ आप सुनोगे, आपको लगेगा नहीं यार मुझे नहीं पता लग रहा क्या बोल रहा है, मगर आपको मैं कार्टून्स दिखाऊंगा, वो कार्टून्स आपको लगेगा है मुझे नहीं समझ में आया क्या बोला है, मगर जब मैं सुन के आपको बोलूँगा बोलेगा भाई हाँ 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 समझ में आ गया ये बोला। क्यों? क्योंकि उनका लहजा मुझे पता है, मैंने बार बार सुना है। आप पहली बार सुनेंगे आपको मुश्किल लगेगा, मगर मैं अपने लहजे में वही लफ्ज़ समझाऊंगा तो आप बोलोगे हाँ मुझे ये आती है। तो लिहाजा बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं और बहुत इन्जॉयमेंट। आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं मूवीज़, जो कोरियन मूवीज़ हैं उसमें जो ज़्यादा जुमले इस्तेमाल ऐसे जो टेस्ट में आएँ वो जुमले निकाल के वीडियोस के ज़रिए, प्रैक्टिकल के ज़रिए आपको करना सिखाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कोई भाई जिसने मेरी वीडियोस के ज़रिए कोरियन ज़बान सीखी है वो मेरे साथ आके कन्वर्सेशन करेगा और लोगों को बताया कि मुझे इतनी कोरियन आ गई है, ताकि मैं भी फ़ख्र से बोल सकूं और वो भी फ़ख्र से बोल सके कि भाई मैंने ऑनलाइन कोरियन सीखी है, भाई हाँ मैं सीख सकता हूँ। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।